नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। मोर्चा द्वारा सरकार के कार्तिक महीना धर के लक्ष्मण देखा नहीं गल तो अखन के पहल हफ्ता से आंदोलन करके निर्णय। संविधान संशोधन के विषय में प्रधानमंत्री प्रचंड, एमाले अध्यक्ष ओली बीच देश छलफल, ओली नरम भ रहा। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक निर्देशक द्वारा लेखापाल ढकाल के निलंबन कैल गेल दावी, निर्देशक के ओहन हैसियत नहीं रहा लेखापाल की जिकिर। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट जनकपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यालय के स्थापना करत, जनकपुर में छलफल कैल गेल। आ अमेरिकी राष्ट्रपति में निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप आ राष्ट्रपति बराक ओबामा बीच भेंटवार्ता। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा कार्तिक मसांत भित्रे संविधान संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण कराबे के निर्णय कलक। बृहस्पति दिन संघीय समाजवादी फोरमक कार्यालय में बैसल मोर्चा के बैसार से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल बेर बेर संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता कर के मिति घोषणा करतु कार्य नहीं केने कहत अंतिम बेर सरकार के ध्यान आकर्षण कराबे के निर्णय कलक। बैसार से सरकार गठनक समय मोर्चा प्रधानमंत्री दहाल के सशर्त समर्थन कला से अपन सबक मांग पूरा कर संविधान संशोधन कर आलटाल कलक। अघन के पहल सप्ताह से थप आंदोलन कर के निर्णय कलक। बैसारक बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी सरकार मोर्चा संग केने सहमति के पालना नहीं कला से अंतिम बेर ध्यान आकर्षण कराब लागल बतौलन। वो सरकार अपना सबके कार्यकर्ता रिहा नहीं कर के घायल के इलाज में चाँख नहीं देखौने, शहीद के क्षतिपूर्ति नहीं देना मोर्चा के थप सशंकित बनौने बतौलन। वो आवश्यक पड़ल त सड़क आ सदन के उपयोग क के संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता कराब दबाव देव जानकारी दिल। सरकार ने दिएको समर्थन स्वाभाविक हो सशर्त समर्थन हो जो शर्त को आधार में सरकार ने समर्थन दिएको थियो। सरकार तो शर्तप्रति तो समझौता प्रति ईमानदार भएन तो स्वतः चाहिए समर्थन फिर्ता लिने कुरा त आई नहीं हाल्द तैयार। तर हमें के बना सरकार ने के जैसे पार्लियामेंट जो चल रहा है तैयार पार्लियामेंट को मध्यम रचने हमी सरकार के प्रधानमंत्री दिया सब विषय के बारे में एकचोटि गंभीर हमी ध्यान आकर्षण कराशं रो भेन भाई तेस पच्चीस एवं कड़ा कदम चाल्न पर्ने बाध्यता हमीस हो फिर हम बस नया आंदोलन हम पूरा कर। बैसारमें मोर्चा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन के गंभीर रूप में नहीं लेला से दल सबके सहमति कराब प्रधानमंत्री के दबाव देव के निर्णय कल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली संग संविधान संशोधन के विषय में छलफल कलनि। बृहस्पति दिन बेरिया में संसद सचिवालय में भेल भेट में आंदोलनरत मधेशी मोर्चा लगायत माग संबोधन कर जका संविधान संशोधन केना कैल जा विषय में दुनू नेता सब बीच छलफल भेल। भेट में प्रधानमंत्री दहाल कार्तिक मसांत भित्रे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद में पेश कर जका सहमति जनाब अध्यक्ष ओली से आग्रह कने। भेट के बाद प्रधानमंत्री प्रेस सलाहकार गोविंद अर्याल संविधान संशोधन के लिए सहमति कर प्रधानमंत्री दहाल अध्यक्ष ओली के आग्रह केने जानकारी दिल। जवाब में अध्यक्ष ओली से संविधान संशोधन के लिए सकारात्मक रहल जनौने आचार्य कहने। संशोधन गर्छु त्यसको लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छु त्यसको लागि तपाईको पनि अनुमति चाहियो भनेर गम्भीर ढंगले चाहिँ कुरा राख्नुभयो। त्यसमा उहाँ पनि म पनि सकारात्मक छु र एक पटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यू र एमाले अध्यक्षज्यू तीनजना बैठक बसेर यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले छलफल। करीब एक घंटा भेल भेट के बाद बहरायल एमाले अध्यक्ष ओली संविधान की के लेल संशोधन कर लागल छी से अपना के जानकारी नहीं रहल बतौलन। संचारकर्मी सबक जिज्ञासा में अध्यक्ष ओली सरकार की विषय में आ कैला संविधान संशोधन कर लागल है से विषय में अपना के जानकारी अखनो धरि नहीं रहल जवाब दिल। बैसार में दुनू नेता सब बीच संशोधन के विषय वस्तु के विषय में सेहो छलफल भेल छल। ऐसा आगू बृहस्पति दिन बैसल माओवादी केन्द्रक शीर्ष नेता सबक बैसार से संविधान संशोधन के लिए शीर्ष नेता सब संग सहमति जुटाब प्रधानमंत्री दहाल के जिम्मेवारी देने छल। प्रधानमंत्री दहाल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउपा संग सेहो भेट क चुकल छथि। नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउपा भारत भ्रमण के समय में कोनो तिब्बती शरणार्थी नेता संग अपन भेटघाट नहीं भेल दावी केने, 24 घंटा नहीं बीतत तिब्बती नेता संग बैसल हुनकर फोटो सार्वजनिक भेलै छ। इंडिया फाउंडेशन भारत के गोवा में आयोजना केने कार्यक्रम में सहभागी होबक के क्रम में तिब्बती निर्वास
निर्वाचित सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री लोपसांग सांगेसांग बैसल नेता देउबा के फोटो बृहस्पति दिन बाहर आयल। देउबा भारत में सांगेसांग भेटवार्ता केने कहित चीन नेपाल संग असंतुष्टि जनौला के बाद परराष्ट्र मंत्री प्रकाश शरण महत मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कक देउबा ओहन भेटवार्ता नहीं केने कहित बचाव केने सलत भारत भ्रमण से घूर के क्रम में देउबा से हो कोनो तिब्बती नेता संग अपन भेटघाट नहीं भेल दावी केने सलत। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद कार्यकारी निर्देशक कार्यालय के लेखापाल उत्तम राज शर्मा ढकाल के निलंबन केने सत कार्यालय परिसर में एक पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर निर्देशक यादव ढकाल के निलंबन कैल गया आ प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी राज ढुंगाना के सात दिन भीतर जवाब देव जका स्पष्टीकरण पूछल गया बतौलना है। लेखापाल ढकाल के उकसाहट में कर्मचारी सब अनावश्यक आंदोलन में उतरल विभिन्न गलत काज सब कब भ्रष्टाचार में संलग्न रहल आ अनुशासन के पालना नहीं केने कहित यादव ढकाल के निलंबन केने बतौलक है। संघे अनुशासन पालना नहीं करे वाला कर्मचारी के मनोबल बढ़ाकर कार्यालय के हित विपरीत काज कला से विधि संबद्ध प्रशासकीय अधिकृत ढुंगाना के सात दिन भीतर जवाब देव जका स्पष्टीकरण पूछल गया बतौलना है। एमर लेखापाल ढकाल अपने अपना विरुद्ध प्रस्तुत कैल गेल प्रमाण सब झूठ रहल आ प्रमाणित कह देखाब निर्देशक यादव के चुनौती देने से एमर धरना में बैसल कर्मचारी सब निर्देशक यादव अपना सब के दोषी साबित कलक अपने सब काम छोड़ तैयार रहा बतौलन है। जे विधान अनुसार यादव निर्देशक बनल छत स्वयं ओ से हो ओ विधान आ नियम पालना नहीं कला से हुनका पद से हटाब पड़त हुनकर ओ सब दोहरौनी है। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं सांसद सब वर्तमान अवस्था में संविधान संशोधन आ कार्यान्वयन से मुख्य विषय रहल कहित राजनीतिक निकास के लिए दल सब के एक होबय पड़त बतौलन है। धनुषा के खरियानी में आयोजित संविधान कार्यान्वयन के लिए चुनौती विषय कार्यक्रम में सांसद सब संविधान कार्यान्वयन की बाधा सब यथाशीघ्र समाधान करय पड़त बतौने है। कांग्रेस नेत्री एवं समानुपातिक सांसद लीला कोरेला संविधान संशोधन का चुनाव के वातावरण बनाब किनको अवेयर नहीं करय चाहिए बतौलिया है। तहिना का कांग्रेस के पौड़ पक्षक सांसद सब चंद्रमोहन यादव आ दिनेश प्रसैला से संविधान संशोधन क मधेश के समस्या समाधान क चुनाव के सहज वातावरण बनाब मांग केने है। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक धनुषाक सचिव संतोष यादव नेता सब परमेश्वर शाह सुरेश कोइराला महाधिवेशन प्रतिनिधि भोला पचियार सहित के उपस्थिति छल। सरकार धनुषा के किसान सबके लिए गहूम के बिया में व्यापक कटौती का पठौलक है। जिला कृषि विकास कार्यालय के प्रमुख प्रदीप ठाकुर के अनुसार धनुषा में कुल 40,000 हेक्टेयर जमीन में गहूम खेती होत जा के लिए कुल 4,800 मेट्रिक टन बिया आवश्यक पड़ित है मुदा सरकार मात्र 250 मेट्रिक टन बिया पठौने बतौलन है। यद्यपि वो थप 500 मेट्रिक टन बिया मांग कर पठाओल गया बतौलन है। प्राप्त बिया में से प्रत्येक गावि में 2.24 मेट्रिक टन के दर से वितरण कैल जात जे 41.60 रुपया प्रति किलो के दर से किसान सबके उपलब्ध हाथ बतौलन है। 41.60 रुपया में दूरी अनुसार के भाड़ा बापत के शुल्क 150 से 2 रुपया धर थप हो सकत से वो जानकारी दिलत। कार्यालय बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का चालू आर्थिक वर्ष कार्यक्रम तथा बजट से प्रस्तुत कलक। कार्यक्रम के सूचना अधिकृत सुरेंद्र गोयत प्रस्तुत के प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष में कार्यालय के लिए कुल 6,03,80,000 बजट छुटियाल गया है जाहि में से कृषि प्रसार में 4 करोड़ बाहेक अन्य बाकी संपूर्ण शीर्षक सब में गत वर्ष आई वर्ष बजट कटौती कैल गया है। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट जनकपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यालय के स्थापना करे वाला है। नास्ट जनकपुर में छलफल तथा सुझाव संकलन के लिए विशेष अंतरक्रिया कार्यक्रम का जनकपुर के विभिन्न राजनीतिक दल तथा संबंधित निकाय संघ प्रदेश स्तरीय कार्यालय के स्थापना तथा कार्य विभाजन संदर्भ में सुझाव संकलन कलक। कार्यक्रम में तमोलोपाक सांसद विजय कुमार सिंह सहायक प्रमुख जिलाधिकारी लामी छाने सहित सब सहभागी छलथ। वही कार्यक्रम में कार्यालय तथा प्रयोगशाला के लिए कुल 7 बीघा जमीन के आवश्यकता पड़त बताओल गया छल। वही कार्यक्रम में मधेशी दल के किछ नेता सब नास्ट के शाखा जनकपुर के लिए फायदाजनक रहितो बिना राजनीतिक समस्या समाधान भेने एहन गतिविधि नहीं कर सुझाव से देने छल त कतेको सब जनकपुर में प्रदेश स्तर के कार्यालय मात्र नहीं भक आधुनिक प्रयोगशाला सब से निर्माण कर पड़त आ वही के लिए विज्ञान तथा प्रविधि संबंधी उपकरण आ प्रशिक्षक सब से राख पड़त बताने छल। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट जनकपुर में 3 दिवसीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनी के आयोजन कलक। नास्ट के सहयोग में जनकपुरक सबसे पुरान सामुदायिक उच्च मावी सरस्वती नमना उच्च मावी में मावी कार्तिक 24 गते से 26 गते धर 3 दिवसीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनी के आयोजना केने है। विद्यालय के व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कन्हैया कुमार कर्णक अध्यक्षता में आयोजित समारोह के बीच नास्ट के उपकुलपति जीवराज पौड़ेल प्रदर्शनी ग्रामीण भेग के विद्यालय सबके समेत वैज्ञानिक तथा प्रविधि के विकास आ उत्पादन हाथ बतौलन है।
शुक्र दिन धरि चल वाला प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी में 8 जिला के विभिन्न गाविस तथा शहर के 27 उच्च मावी सब के विद्यार्थी सब विज्ञान तथा प्रविधि संबंधी विभिन्न आविष्कार आ निर्माण सब के प्रदर्शनी कने आई सब। मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति जन्म जयंती के संदर्भ में जनकपुर के जानकी मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना कैल गए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोष लगायत संस्था के आयोजना में सांस्कृतिक कार्यक्रम कैल गए। कार्यक्रम में मीना पासवानी एंड ग्रुप संयुक्त रूप में विद्यापति के गीत में नृत्य प्रस्तुत कने छल। महाकवि विद्यापति के योगदान के विषय में चर्चा कैल गए। गोष्ठी में विद्यापति के मैथिली साहित्य में योगदान संग संबंधित 3 कार्यपत्र से प्रस्तुत कैल गए। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर राजेन्द्र विमल डॉक्टर रेवती रमन लाल तथा गायक सुनील मल्लिक विजय दत्त नेकपा एमाले के नेता श्री प्रसाद शाह लगायत की उपस्थिति छल। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोष राजर्षि वांग्मय प्रतिष्ठान आ डॉक्टर राजेन्द्र विमल प्रतिष्ठान संयुक्त रूप में कार्यक्रम के आयोजना कने छल। महाकवि विद्यापति के जन्म के विषय में विवाद रहितो कार्तिक 27 गते स्मृति दिवस मनाओल जात। जनकपुर में पर्यटक के आकर्षण कर के उद्देश्य से गंगा सागर में काल विशेष किस्म के माछ राखल गेल। ननुपट्टी मुखिया मत्स्य प्रजनन केन्द्रक प्रोपराइटर बोवेराल मुखिया सेव द हिस्टोरिकल जनकपुरक संयोजक तथा गंगा सागर सफाई अभियान के अभियंता रामशीष यादव के विशेष प्रजाति के 100 माछ प्रदान कने आई। गंगा सागर के सफाई कर के आ में पर्यटक के आकर्षण कर के अभिप्राय से राखल गेल माछ सब 3 प्रजाति के माछ सब में से रूपचंदा बांग्लादेश में भेट वाला माछ रहल त दोसर कतली माछा कोशी टप्पू में भेट वाला प्रजाति के रहल तहिना के बसरी माछ पोखर के घाट सब में रहल लेव खात रंगीन रहल ये माछ सब पोखर में कुदला पर पर्यटक सब के आकर्षित से करत बतौलन। गंगा सागर के पर्यटक के और आकर्षण बढ़ावे के लिए अमे कि उन्नत जात के मछली सब राखल गए जो कलरफुल से सब बांग्लादेशी मछली है रूपचंदा देखली है वो पानी में जखन जंप करते तो पर्यटक सब जैसे कैमरा लगा फोटो खींचते और पर्यटक लेल आकर्षण के केंद्र बनते। दोसर देखली हुई जो कतली ये मछली यहाँ के कोशी टापू में पाएल जाए और तेसर मछली देखली जो बसरी कहे सब अहाँ के उन्नत जात के मछली से सब कदई से खाए वाला से घाट पर जे कदई देखी छी लागल तो बसरी मछली जैसे वो कदई खाई छी। ऐसे पहले ही में जैसे तिलिपिया मछली सब राखल गेल कोतरी मछली सब राखल गेल सिल्वर कॉमन कार्प ग्रास कार्प सब मछली सब राखल गेल सब पहले लेकिन अखन जे रखाएल गेल एकदम पर्यटक के आकर्षण केंद्र करे के लिए जो पानी में जंप करते तो पर्यटक सब आकर्षण देते। गंगा सागर में 2.5 वर्ष पहिने से विभिन्न प्रजाति के 1,00,000 से बेसी माछ राखल गेल छल। के दक्षिणवर्ती गावी सहरी में फैलल पेटसहरी नियंत्रण में नहीं अला से स्थानीय वासी सब डरायल अखन धरि 50 से बेसी गोटे में पेटसहरी के प्रकोप देखल गेल। काल्हि बृहस्पति दिन स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 15 गोटे बीमार इलाज के लिए आयल केन्द्रक निमित्त प्रमुख रामनारायण सिंह बतौलन। बीमारी सबक संख्या बढ़त गला के बाद विशेषज्ञ के टोली प्रकोप बढ़ल ठाम में नहीं पहुँचला से इलाज में समस्या भर रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकारी देने आई। बीतल 5 दिन से फैलल पेटसहरी से और ही 3 के 7 वर्षक बालक अर्जुन यादव के मृत्यु भेल और ही गावि के वार्ड नंबर 2, 3, 5 आ 8 में फैलल पेटसहरी से स्थानीय वासी सब डरायल। बीमारी सबके पेट दुखा के उल्टी होब के पेटसहरी लागे के लक्षण सब देखे में आयल। अस्पताल में ओछान के अभाव से बीमार सब नीचा में ठंडी में इलाज कराब बाध्य भेल। एम्हर जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दया शंकर लाल कर्ण दूषित पानी पीला के कारण से पेटसहरी के प्रकोप बढ़ होब सकबाक बतौलन। जिला स्वास्थ्य कार्यालय आ स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी संयुक्त रूप में इलाज कर रहा प्रमुख कर्ण बतौलन। पानी परीक्षण के लिए इपिडेमियोलॉजी रोग नियंत्रण महाशाखा काठमांडू पठाने 3 दिन बीतला के बाद रोग के पहचान होब नहीं सकला से रोग के बदला आरो बढ़ रहा। बीमारी सबक संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ गेल हो तो संबंधित निकाय ध्यान नहीं दिला से स्थानीय सब डर आयल। अ दिश तत्काल ध्यान नहीं दिल गेल तो हैजा के रूप लेब सकत स्थानीय सब आशंका कने आई। नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन के विषय में पार्टी में छलफल शुरू कल। बृहस्पति दिन भिनसर बैसल हेडक्वार्टर बैसार में संविधान संशोधन विषय में छलफल भेल। आंदोलनरत मधेशी मोर्चा आ अन्य असंतुष्ट पक्षक माग संबोधन करल लेल सेहो संविधान संशोधन अत्यावश्यक रहल निष्कर्ष के संग माओवादी केन्द्र ओहि के विषय में पार्टी भीतर छलफल शुरू कल।
बैसारमें अधिकांश सदस्य सब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आ सत्ता साझेदार कांग्रेस संग छलफल क मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराब के सुझाव देने छल। बैसारक बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते माओवादी केन्द्रक प्रवक्ता पंफा भूषाल संविधान संशोधन के लिए दलीय सहमति कर के विषय बैसार में उठल बतौलन। बैसार में बाजवला अधिकांश सदस्य सब संविधान संशोधन के लिए दू तिहाई मत आवश्यक रहला से एमाले लगाय दल सब संग सहमति कर के सुझाव देने प्रवक्ता पंफा भूषाल जानकारी दिलिये। का निम्ति चाहिँ फेरि सहमति पनि कायम गर्नुपर्छ, द्वितीय नभएसम्म संशोधन पनि हुन्न, त्यसैले त सहमति जुटाउने पनि कुरा छ। अहिले नेपाली इतिहासका अध्यक्ष यस्तो प्रश्न छ, त्यसैले हामी अध्यक्ष उता जानु पऱ्यो भनेर बैठक गर्छ, फेरि भरे या भोलि पर्छ। बैसार में संविधान संशोधन में पार्टी के आधिकारिक धारणा आ राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में नेता सब धारणा रखने छलथ। प्रहरी 113 थाना अवैध एटीएम कार्ड सहित दू गोटे विदेशी नागरिक के पकड़ाव कलक। बैंक एटीएम से अनाधिकृत रूप में रकम निकाल सक्रिय होते आयल टर्किश नागरिक मुहरिम उचुन आ सेला हातिम सवार के यावार के प्रहरी 113 थाना अवैध एटीएम कार्ड सहित नियंत्रण में लेने आई। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो महाराजगंज एटीएम के पिन नंबर प्रयोग क पैसा चोरी करे वाला काज में संलग्न दू गोटे के टर्किश नागरिक से 26,75,000 नेपाली रुपया से बरामद कलक। बृहस्पति दिन ब्यूरो पत्रकार सम्मेलन क विभिन्न समय में नेपाल आबिक बैंक के एटीएम सब से दोसर के पिन कोड चोरी क पैसा निकाल वाला काज में संलग्न दू गोटे टर्किश नागरिक के नियंत्रण में लेने जानकारी दिलक। संग प्रहरी 1700 यूरो मोबाइल दू थान एटीएम कार्ड के पिन नंबर लिखल कागज 8 पन्ना आ स्विस घड़ी 1 थान से बरामद कलक। पत्रकार सम्मेलन में ब्यूरो प्रमुख नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवाल पकड़ाव पड़ल विदेशी नागरिक सब संग ऐसा आगू पकड़ाव पड़ल टर्की सब संग नेपाल आबि के चोरी काज में संलग्न भेल दावी कल। पकड़ाव कर इसी दुईवटा लेकर 9 जना 9 जना चाहिए ईस्ट यूरोपियन कंट्री का चाहिए मानस देखिए। अब हम एट महत्वपूर्ण कुरो के अंडरस्टैंडिंग पे अब इमिग्रेसन ईस्ट यूरोपियन मानसर चाहे भित्र आखिरी तिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी चेक जाँच गर्नुपर्ने अवस्थाहरु हो र यिनीहरु चाहिँ नि होटलहरुमा र अरु कुनै भन्नुस् न कुनै उद्देश्यका साथ आइरहेको अवस्थामा पनि अलिकति सचेततापूर्वक चाहिँ नि हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि आएको थियो। र यसमा पीडित अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भनेपछि यिनीहरुले अब हामी चाहिँ प्राय बाहिरको मानिसहरुको इन्फर्मेसनको इन्फर्मेसन लिएर आएर यहाँबाट निकाल्यौँ र यहाँको पाइयो भने पनि यहाँको पनि गर्ने भन्ने प्रकारले दुवैतिर चाहिँ नि अब नेपाली ग्राहकहरू ब्याङ्कका ग्राहकहरू पनि यसबाट भिक्टिमाइज भएको हुन सकेको र यो जति पनि पैसाहरू छ यो नेपाली ब्याङ्कका ग्राहकहरूको पनि यो पैसा केही ग्राहकहरूको चाहिँ पैसा यसमा चाहिँ नि छ भन्ने प्रकारले उनीहरूले भनेको थियो। त्यसले गर्दा अघिल्लो ग्रुपले चाहिँ इन्फर्मेसन लियो र यो ग्रुपलाई त्यो इन्फर्मेसन पास गर्यो। ऐसा आगू से ब्यूरो टर्की बुल्गेरिया और रोमानिया के नागरिक सब एटीएम के डाटा चोरी कर के अत्याधुनिक उपकरण एटीएम बूथ में चढ़ान क पैसा चोरी कर वाला गिरोह सार्वजनिक केने छल। ब्यूरो एटीएम से दोसर के पिन कोड प्रयोग क पैसा चोरी केने आरोप में ऐसा आगू 4 गोटे रोमानियन 3 गोटे टर्किश आ 2 गोटे बुल्गेरियन नागरिक के नियंत्रण में लगा कार्रवाई प्रक्रिया आगू बढ़ाने आई। प्रहरी नेपाल के एटीएम सबके अतेक बेसी विवरण विदेशी नागरिक सब लग जानकारी रहनाई में नेपाली सबके सेहो संलग्नता होब सकबाक आशंका अनुसार अनुसंधान तीव्र बनाने आई। ब्यूरो काठमांडू के ठमेल दरबार मार्ग आ बसंतपुर लगायत पर्यटक के आगमन बेसी हो वाला स्थान के बैंक एटीएम सब से पैसा चोरी होते आयल उपराग बढ़ला के बाद अनुसंधान तीव्र बनाने आई। एटीएम बूथ सब से पैसा चोरी होब के क्रम बढ़ल कहित राष्ट्र बैंक एटीएम बूथ सब के सुरक्षा अपनावा आ नियमित अनुगमन कर बैंक सब के निर्देशन द चुकल। विप्लव माओवादी के 21 गोटे कार्यकर्ता के फुटबल प्रहरी पकड़ाव कलक। पकड़ाव पड़े वाला समय रूपंदेही जिला सेक्रेटरी शरद ओली से रहा। बृहस्पति दिन भिनसर अस्पताल लाइन में चक्का जाम कराब चाला के बाद ओकरा सबके नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुंद मरासिनी जानकारी देने छथि। ओ सब भिनसर 10 बजे 1 घंटा चक्का जाम करब कहित पार्टी के झंडा सहित सड़क में उतरल छल। सड़क में आयल सबके इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबल के टोली पकड़ाव क गाड़ी में राख के इलाका प्रहरी कार्यालय में पहुंचाने छल। प्रहरी काठमांडू चितवन आ पोखरा से सेहो विप्लव माओवादी के कार्यकर्ता सबके पकड़ाव केने आई। आप इंटरनेशनल न्यूज अमेरिकी राष्ट्रपति में निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप आ राष्ट्रपति बराक ओबामा संग के भेंट अपन लेल बड़का सम्मान के बात रहल बतौलन। राष्ट्रपति ओबामा ट्रंप के व्हाइट हाउस में स्वागत कलन। ओवल कार्यालय में ओबामा कार्यालय में भेल भेंट में सत्ता हस्तांतरण के विषय में बातचीत भेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक।
डेढ़ घंटा धरि चलल भेटवार्ता में आंतरिक तथा बाह्य विषय सत्ता हस्तांतरण तथा विदेश नीति के विषय में छलफल भेल राष्ट्रपति ओबामा जानकारी दिलत। राष्ट्रपति ओबामा भेटवार्ता शानदार रहल बतौलन। ट्रंप अपन टीम संग मिलकर काज कर चाहने बतौने आ अपने ओर से प्रभावित भेल राष्ट्रपति ओबामा बतौलन। चुनावी अभियान के क्रम में ट्रंप ओबामा के शासन नष्ट करब बतौने अना का ट्रंप ओबामा के नागरिकता के विषय में प्रश्न उठौने तहना का राष्ट्र के बाद ओबामा ट्रंप विशेष रूप से अयोग्य रहल बतौने मुदा चुनाव में अप्रत्याशित रूप में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन पराजित भेला के बाद ओबामा राष्ट्रीय एकता के लिए आह्वान कने व्हाइट हाउस में भेल भेटवार्ता के बाद राष्ट्रपति ओबामा आब वाला दू महीना अपन मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रपति में निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप सफल रहे ताई में केंद्रित रहत बतौलन। ट्रंप भेटवार्ता के लिए ओबामा के धन्यवाद से दिलत। अफगानिस्तान में रहल जर्मन वाणिज्य दूतावास में आत्मघाती आक्रमण भेल। मजारे शरीफ शहर में रहल जर्मन वाणिज्य दूतावास में भेल आक्रमण में कमती में दू गोटे के मृत्यु भेल। आत्मघाती आक्रमणकारी से विस्फोटक पदार्थ से भरल ट्रक आक्रमणकारी दूतावास के भवन में जाकर ठोकरौने प्रहरी के कहवे। विस्फोट के बाद गोली से चलल छल। विस्फोटन में पड़ के 80 गोटे घायल भेल। तालिबान आक्रमण के जिम्मेवारी लेलक। उज्बेकिस्तान के सीमा नजदीक रहल मजारे शरीफ अफगानिस्तान के तेसर नम्हर शहर। शहर के बाहरी क्षेत्र में जर्मनी के नेतृत्व में रहल नेटो सेना के कैंप है। गठबंधन सेना घटना के जांच कर रहल नेटो के प्रवक्ता बतौलक। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मोर्चा द्वारा सरकार के कार्तिक महीना धरि के लक्ष्मण रेखा नहीं भेल त अघन के पहल हफ्ता से आंदोलन कर के निर्णय। संविधान संशोधन के विषय में प्रधानमंत्री प्रचंड एमाले अध्यक्ष ओली बीच तेज सलफल। ओली नरम भ रहा 73 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक निर्देशक द्वारा लेखापाल ढकाल के निलंबन कैल गेल दावी। निर्देशक के ओहन हैसियत नहीं रहल लेखापाल के जिकिर। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट जनकपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना करत। जनकपुर में छलफल कैल गेल आ अमेरिकी राष्ट्रपति में निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप आ राष्ट्रपति बराक ओबामा बीच भेटघाट। अपन ही जखन के लिए पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।